मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा कौसान में जितने भी अस्पताल हैं इसमें मरीजों को लेकर काफी समस्याएं खड़ी हो रही है, चाहे वो डायलिसिस के मरीज हों या किसी और भी मरीज के मरीज हों, लेकिन उन्हें जब अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेकर जाया जाता है तो उस वक्त उन्हें COVID-19 के लिए टेस्ट करने को कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा मुसीबत साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से और भी मरीज हैं, कितने मरीज ऐसे मुंब्रा शहर में हैं कि जो अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते वो दम तोड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर MIM के नगर सेवक शाह आलम भाई मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर मुंब्रा कौसा के जो हॉस्पिटल हैं इनमें किस तरह से ऑक्सीजन की कमी है और किस तरह से जो है यहाँ पर मरीजों को नहीं भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में ये किसे इसका दोस्त मानते हैं और आखिर इन अस्पतालों पर मनपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सालों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो मुंब्रा कौसा के अस्पताल है, चाहे वो बुरहानी हो, चाहे रहमानिया हो या प्राइम हो, जिस तरह से यहाँ पर मौत हो रही है लगातार अस्पताल में भर्ती ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, तो आप क्या कहेंगे इसको? जिस तरीके का आज हमारे शहर के अंदर हॉस्पिटल वाले का मसला चल रहा है उस और जो मौत हो रही, वो सबसे ज्यादा जो मौत हो रही इस वक्त कोरोना से नहीं हो रही है। आज जो पेशेंट हमारे कुछ डायलिसिस वाले हैं, हार्ट वाले हैं, कुछ अस्थमे वाले, और ये जो 2 महीने का लॉकडाउन चलने की वजह से लोग घरों में बैठने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब डर के एक माहौल में जी रहे, उसकी वजह से ना इनको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा और हॉस्पिटलों में जब लेके जा रहे तो कोई हॉस्पिटल इनको एडमिट लेने को तैयार नहीं। सबसे पहले की सवाल होता है कि मतलब आप इनको इनका कोरोना टेस्ट कराया जाए। अब मेरा ये मानना है सरकार से और अपने थाना महानगर पालिका से और जो प्रशासन है कि आप लोग इस हॉस्पिटल को ये एक आदेश निकालिए कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उनके लिए एक वार्ड बनाया जाए, ताकि अगर वो सस्पेक्टेड है तो उसको फर्स्ट एड दिया जाए। सांस वाले हैं, हार्ट वाले हैं या डायलिसिस वाले, अगर उनको ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो एक सस्पेक्टेड रूम बनाए और उसमें इनको फर्स्ट एड चालू कर दे, उनको ऑक्सीजन दिया जाए और उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो उनको ताबड़तोड़ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। क्योंकि जो मौत हुई है, कल एक मौत हुई, हमारे एक पहचान जानने वाले थे अमृत नगर, उनका इंतकाल हुआ, 7 हॉस्पिटल उनको लेके दौड़ा किए, 7 जगह लेके गए, हर हॉस्पिटल ने उनको यही बोला कि आप इनका पहला कोरोना टेस्ट कराइए। और जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, डॉक्टर खुद बोल रहे हैं इनका ऑक्सीजन लेवल कम है, वैद्य हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उन्होंने उनको ऑक्सीजन दिया, 1 घंटे तक रखे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि भाई बेड है हमारे पास लेकिन कोरोना टेस्ट जब तक नहीं होगा इनको हम नहीं एडमिट कर सकते। उसके बाद उनको लेके आया गया शिवाजी हॉस्पिटल में, शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए, वो आदमी खुद चल के गए और हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उनको ऑक्सीजन दिया, उसके 5 मिनट के बाद डेथ हो गई उनकी। आज एक ऐसा केस हुआ एक डिलीवरी का, जो बिचारी आज वो एम्बुलेंस के अंदर डिलीवरी, अरे हॉस्पिटल डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहे कोरोना पेशेंट है तो डॉक्टर खुद बोल रहे ना कि इनके सिम्टम, डॉक्टर ने बताया ना हमको कि इसको बुखार रहेगा, हैवी बुखार रहेगा, खांसी रहेगी, सांस फूलेगी। तो जब अगर किसी पेशेंट में ये सब सिम्टम नहीं तो आप उसको फर्स्ट एड देना चालू करो, क्योंकि ये मौत सिर्फ कोरोना से नहीं हो रही। इसलिए मेरी मांग है प्रशासन से कि हॉस्पिटल को आदेश दे कि आप ऑक्सीजन सिस्टम जो आपका है या ICU उसको चालू रखें। और रहा सवाल अगर किसी ICU के अंदर कोई पेशेंट एडमिट है और उसको कोरोना है तो आप उस सिर्फ उस रूम को सैनिटाइज करें और जो 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 उस पेशेंट के पास जो डॉक्टर या नर्सेस गई थी उनको चेक करें आप। अगर इसी तरीके से एक एक पेशेंट निकलेगा और हर हॉस्पिटल आप सील करते जाएंगे तो शहर में तो वैसी मौत होगी फिर। यानी आपका कहना है कि जो भी अगर किसी हॉस्पिटल में तो कोई COVID-19 का पेशेंट मिलता है तो सिर्फ उसी वार्ड को जो है सैनिटाइजर किया जाए और जो जो मरीज के पास गई थी नर्स उन्हें सिर्फ जांच के लिए भेजा जाए और हॉस्पिटल को चालू रखा जाए, उसे सील ना किया जाए। मैं देखिए मेरी यही अगर देखिए अगर इसी तरीके से हॉस्पिटल को हम सील करते चले जाएंगे तो आप बताइए कि हार्ट का किसको प्रॉब्लम हुआ या किसी को अटैक आया उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? डायलिसिस वाला पेशेंट है कल से अगर हॉस्पिटल में हमारा डायलिसिस सेंटर था तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कोरोना का जो पेशेंट का हमने वार्ड बनाया है वहाँ पे और जो डायलिसिस का सिस्टम है
उसको अलग करके कम से कम डायलिसिस पेशेंट को ये राहत दिया जाए, बहुत जरूरी है किसी भी तरीके से इसको कोई भी इस मसले को हल करे। मैं तो आयुक्त साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सर आप इसमें पूरा इन्वॉल्व होइए और इसकी पूरी तफ्तीश करें ताकि लोगों को इसका सुविधा मिल सके। के अस्पताल हैं जिनके आईसीयू बंद हैं, आपने कभी मनपा से मांग की कि इन हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाए कि इन लोगों ने आईसीयू क्यों बंद रखा है, मरीजों की भर्ती क्यों नहीं ये लोग कर रहे हैं? अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी वो सभी इसमें स्टेडियम के अंदर, तो मनीष जोशी साहब भी थे, तो उनके सामने हमने बात रखा था कि साहब शहर के अंदर जो मसला चल रहा है वो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बंद होने की वजह से, और डॉक्टर जो हमारे हैं वो पेशेंट को लेने को तैयार नहीं। सब एक प्रेग्नेंट औरत, जो औरत कभी बाहर नहीं निकली, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैडम डॉक्टर साहब अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी पीरियड में कोई ये रहता है क्या कोई प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर इसके अंदर पीरियड डिलीवरी पीरियड के टाइम पर ब्लड है ना वो थोड़ा पतला होता है या जॉन्डिस का खतरा होता है, तो इसकी वजह से इनको कोरोना भी मतलब वो दे रहे। और आज बीएमसी ने खुद डिक्लेयर की, बीएमसी ने आज डिक्लेयर किया कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत की कोई भी कोरोना की टेस्टिंग नहीं की जाएगी, उनका डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया जाए और उनको मतलब डिलीवरी के लेबर पेन अगर हो रहा है तो उसको एडमिट किया जाए। तो माननीय पालिका से और कमिश्नर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जिस तरीके से बीएमसी ने अपना आदेश निकाला, कल थाना महानगर पालिका को भी हमारे थाने जिले के अंदर ये आदेश निकाला जाए कि जितनी प्रेग्नेंट औरतें जो आ रहे जो डिलीवरी के लिए उनको आप एडमिट कीजिए, उनकी डिलीवरी कीजिए, और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो उनका टेस्ट करा के उनको कोरोना का ट्रीटमेंट कीजिए। सालम भाई, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तरफ से भी ऑडियो जारी किया जाता है कि हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके भी जो नेता यहाँ के हैं स्थानीय वो भी बार बार कह रहे हैं ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक हॉस्पिटलों के आईसीयू बंद है और मरीजों की भर्ती भी नहीं हो रही है और मौत भी आंकड़ा ऐसी वजह से बढ़ता ही जा रहा है। इस्लामुद्दीन देखिए भाई, अगर आज देख रहे हो आपके, मैंने भी वो वीडियो सुने थे अवार्ड साहब की, तो उन्होंने डॉक्टरों से ये कहा था कि सही बात है अवार्ड साहब ने जो कहा वो गलत नहीं कहा कि आप इसी शहर से कमा रहे हो, इसी शहर से कमा के आप थाना में या किसी दिगर इलाके में अपना अपना घर ले रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आज शहर को जरूरत डॉक्टर की। आज देखो हम राजनीति नहीं कर रहे, मैं MIM से हूँ, बाकी शहर के हमारा आमदार NCP के नगर से, हर कोई ये चाह रहा है कि हर हॉस्पिटल खोला जाए, अपोजिशन भी ये चाह रही है कि हॉस्पिटल खोले। अब मैं तो अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि अवार्ड साहब जो हमारे शहर के आमदार हैं उनकी भी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जल्दी सेहत याब करे ताकि वो मैदान में उतरे और वो जो नगर सेवक काम कर सकता है और जो आमदार काम कर सकता है उसमें फर्क है। तो अगर शहर का जब आमदार सही तंदुरुस्त होकर आ जाएगा तो उनसे मैं तो मेरी ये मांग है अवार्ड साहब से खुद के, अवार्ड साहब आप प्रशासन आप सरकार में बात करो और आपके पास इतना कैपेबल अल्लाह ने दिया आपको एक पावर दिया है कि आप थाना कमिश्नर से बात कर सकते हो और इन हॉस्पिटलों को खुलवाओ। अगर ये हॉस्पिटल नहीं खुल रहे तो मेरे तो ये चाहूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो डॉक्टर यहाँ से कमा के जा रहे थे अगर वो डॉक्टर अपने इस जगह जो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है जो नर्स है अगर वो इस कोरोना संकट में हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, जो लोग यहाँ से कमाए इतनी और आज यहाँ के जो मुमरा शहर के रहने वाले लोग है इस संकट में उनके काम नहीं आ रहे हैं, तो मनपा क्यों नहीं ऐसे अस्पतालों में जाकर उनकी जांच करती, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करती है कि कौन से डॉक्टर हैं जो इस समय हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, उनकी एक लिस्ट बनाकर उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाए। नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात आपकी इस्लामुद्दीन भाई, और प्रशासन को ये चाहिए कि हम जिस तरीके से हमने कंप्लेंट की और NCP के नगर सेवकों ने कंप्लेंट किया, अवार्ड साहब ने खुद आह्वान किया कि हॉस्पिटलों को खोला जाए, तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि हमारे मुमरा शहर में जितने हॉस्पिटल है, कडायम है, बुरानी है, बिलाल है, बिलाल तो इस वक्त चल रहा है, और अपना रहमानिया हॉस्पिटल, इनकी सब तमाम उसकी माहिती लिया जाए, कितने डॉक्टर शहर में जो आज से 3 महीना पहले इस हॉस्पिटल में आते थे और कौन डॉक्टर नहीं आ रहा, उनको 2 दिन का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए कि आप 48 घंटे के अंदर अगर आपने अपने क्लिनिक में अपने हॉस्पिटल में विजिट करना नहीं चालू करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये कमिश्नर साहब को एक ऑर्डर निकालना चाहिए। दूसरा, कि जो आज शहर की हालात चल रही थी, आज 18 मौतें हुई, तो ये सब कोरोना से मौत नहीं हुई। हमारा ये एक हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया था, आज ये भगवान खुद जब हमको छोड़ के भागेंगे तो हम किसके सारे इलाज करेंगे? तो मैं इन दुनियावी डॉक्टरों को जो हमारे देश के लोगों ने हमने उनको भगवान का रूप दिया, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग शहर में आइए, आप
डिस्टेंशन के हिसाब से इलाज कीजिए, पेशेंट को आप चेक करिए कम से कम। आज हमारे पास जो थर्मामीटर है चेक करने वाला, उससे चेक करो, अगर पेशेंट को बुखार नहीं उसके अंदर सिम्टम नहीं तो आप कम से कम उसको दवा दे सकते हो, सांस का प्रॉब्लम है आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हो। तो ये सब काम को करेंगे जब डॉक्टर बैठना चालू करेंगे तब। तो मेरी ये प्रशासन से और मुमरा शहर के तमाम जितने बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर से गुजारिश है कि आप लोग ये काम जल्द से जल्द शुरू करो ताकि शहर के लोगों को इलाज हो सके। सालम में जिस तरह से महानगर पालिका रमजान में बोली थी हम ईद के बाद जो है लॉकडाउन अच्छी तरीके से मुमरा में करेंगे, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन अब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, समय भी दिया कि मार्केट सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगी, लेकिन इसी तरह से क्या मनपा प्रशासन हॉस्पिटलों पर कार्रवाई न करते हुए नाकाम साबित हो रही है? नहीं तो देखिए ऐसा है ना कि अभी तक ने कोई इसके ऊपर कोई हॉस्पिटलों पे कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम आया था मतलब कोरोना पेशेंट निकल गया तो हॉस्पिटल सील कर देते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि मतलब हॉस्पिटल खुल रहे, दो एक हॉस्पिटल खुले हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी जिस तरीके से मनीष जोशी साहब ने कल लॉकडाउन किया, बेहतरीन चीज है। मैं चाहता हूँ कि इस चैन को थोड़ा, जब तक चैन ब्रेक नहीं होगी इस पेशेंट कोरोना की, तो प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम खुद चाहते, हम तो शहर के लोगों से गुजारिश करें कि बिना वजह, बिना जरूरत के आप लोग बिना वजह मत निकलिए। प्रशासन या नगर सेवक या जो संस्थाएं मेहनत कर रही, ये आपके और हमारे और पूरे मुमरा शहर की भलाई के लिए किया जा रहा है। लेकिन सालम भाई, दूध की दुकान की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक है, दूध की दुकान पे कौन सी इतनी भीड़ लगती है कि जो मनपा 2 घंटे का समय दिया है, 2 घंटे में तो और वहाँ भीड़ हो जाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूंगा मनीष जोशी साहब से कि जो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको दिन में भी जरूरत है। सही बात है कि दूध की ऐसी जरूरत है कि दूध की जरूरत बच्चों को भी और घर में रहने वाले लोगों की भी जरूरत है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि सुबह 7 से लेकर कम से कम 12 बजे तक दूध की दुकान का ये दिया जाए खुलने का, क्योंकि दूध की दुकान पे कोई भीड़ नहीं होती, लोग राशन के तरीके से दूध की दुकान पे नहीं आते, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे रखा है था। जितने मुमरा कौसा में डेयरी है हर कोई उसका सिस्टम इसका पालन कर रहा है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि दूध की डेयरी, मेडिकल और डॉक्टर, ये तीनों चीज के ऊपर आप छूट दिए ताकि लोग इसका इस्तेमाल अपने वक्त पे कर सके। कोरोना से बचने के लिए आप जो अपने वार्ड में किस तरह का काम कर रहे हैं? देखो अभी जो अभी कोरोना की ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिस्टम बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की एक दवा आई, तो मैंने ये दवा मंगाया, कल से बांट रहा हूँ अपने वार्ड के अंदर, बहुत से लोगों को दिया और इंशाल्लाह और मंगाया हूँ, कल और 2000 बॉटल मेरी आने वाली इंशाल्लाह ताला, वो दवा आ जाएगी तो ह्यूमन सिस्टम बढ़ाने के लिए, जो ताकि लोगों को एक एक छोटी सी बॉटल आ रही जो 3 ही रुपए की पड़ रही है, तो मैंने उसकी 2000 बॉटल और मंगाया है ताकि पूरे इलाके में बांटूं और उनको मैं समझाया कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने का। और दूसरा मैं एक बार और आह्वान कर रहा हूं मुमरा शहर के लोगों से कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर जरूरत है तो ही शहर उतरिए बाजार में, और कोई जरूरी नहीं कि पूरी परिवार उतरे, अगर आपको जरूरत है आपके परिवार से एक आदमी को बोले कि जाओ ये चीज लेके जाओ, जो वक्त हमारे प्रशासन ने दिया है सुबह का टाइम, उस टाइम पे आके आप लोग अपनी बाजार खरीदिए, और अगर साहिब हैसियत है तो पूरे हफ्ते का अनाज आप लीजिए, और साहिब आज हालात तो इतने खराब है कि लोगों के पास 2 दिन का भी राशन का पैसा नहीं रह रहा, तो कोई आते रोज आ रहा कोई 1 किलो ले रहा कोई आधा किलो, तो मैंने ये उनसे गुजारिश है कि आप लोग जो सरकार ने टाइम दिया प्रशासन ने टाइम दिया उस वक्त पे आप लीजिए, और शहर को और अपने घर को और हमको सबको अगर बचना है तो जो हमारा लॉकडाउन का ये चल रहा है इसमें पूरा साथ दिया जाए ताकि शहर अच्छे से अच्छा इसको रिकवर करे और हम इसके चैन को ब्रेक कर सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा शहर में एक के बाद एक हॉस्पिटलों की लापरवाही से मौत हो रही है, जिसको लेकर मुमरा शहर के लोगों के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनमें भी काफी गुस्सा है। हालांकि पिछले दिनों जो यहाँ के आमदार है उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया था कि हॉस्पिटल जो है वो अब ICU वार्ड और मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दे वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि हॉस्पिटल में अभी भी ICU बंद है और मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है, और मनपा प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने में फेल। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।